नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं कुछ भी किसी भी पार्ट में डाउट आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9086492507। ठीक, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उस पर अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर अपने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, बहुत सारे लोग नए भी जानते होंगे, भूल गए होंगे, तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के। किसी एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अगर आपका एटम न्यूट्रल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव या कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और दोनों बराबर होंगे किसके? एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जेड से। वैसे तो जेड ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया लास्ट क्लास में कि बहुत सारे बच्चों को टू और जेड में कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैं आगे से जेड इस तरीके से लिखूँगा और टू जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखूँगा। क्लियर? तो जेड जो है, जेड ये बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक नंबर इज़ आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर बिकॉज चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। क्लियर? दूसरा है मास नंबर। मास नंबर देखो बच्चों क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कई सारे बच्चे मास नंबर और एटॉमिक मास में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो बच्चों, मास नंबर जो होता है वो लगभग बराबर होता है एटॉमिक मास के, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं है। मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो आपके एटम का मास होता है। ठीक है, जो कि लगभग बराबर मास नंबर के इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसका मास बहुत कम होता है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है उनके सम के बराबर ही लगभग आपका एटॉमिक मास आता है। ठीक है, अब दोनों में खास अंतर क्या है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज, अच्छा ये मान लो कि यह आपको बताया जा रहा है, आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियर। क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि वॉट इज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे वो वाली बात आ गई एटॉमिक मास वाली कि ठीक है कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। द बेसिक डिफरेंस इज दैट मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर वेयर एज एटॉमिक मास इज नॉर्मली नॉट अ होल नंबर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना भी कम हो उसका कुछ तो मास होगा ही। ठीक है, तो वो होल नंबर नहीं आता है, एटॉमिक मास की वैल्यू अक्सर पॉइंट में आती है। ठीक है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इंटीजर डिजिट में होते हैं, तो उनका जो सम आता है वो हमेशा होल नंबर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात जो आगे मैंने बोली लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास एज कम्पेयर टू पी एन एंड, सो मास ऑफ एनी एटम इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब उसको हम लोग आपके प्रोटॉन अपना जो न्यू एटम होता है किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो है सिंबल ऑफ एलिमेंट, z जो है वो है एटॉमिक नंबर, a जो है वो है मास नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम रिप्रेजेंट करना है तो सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23।
ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन रिप्रेजेंट करना है तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17, मास नंबर होता है 35। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हीलियम रिप्रेजेंट करना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर भी 1 ही होता है अगर वो आइसोटोप नहीं है तो। ठीक है, कार्बन का देखिए, कार्बन का सिंबल होता है सी, एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। ठीक है, आयरन का देखिए, आयरन का सिंबल होता है Fe, मास नंबर होता है 26, और सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 26, मास नंबर होता है 56। मतलब एटॉमिक नंबर को लेफ्ट साइड नीचे लिखते हैं और मास नंबर को लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन U35, 232। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z जो है वो कितना है 92, और ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 92। ठीक है, मास नंबर कितना है आपका 232, ये बराबर किसके होता है P प्लस N के, तो N इक्वल टू क्या हो गया 232 माइनस P, अब P कितना है 92, तो 232 माइनस 92 कितना आ गया ये 0 4 140। मतलब आपके न्यूक्लियस में 140 न्यूट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है। ठीक है, तो वैसे ही आप आगे आपको एक चार्ट दिया गया है, इसको आपको फुलफिल करना है। इसमें आपको पार्टिकल दिया गया है, मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, पी इलेक्ट्रॉन और एन दिया हुआ है। ठीक, तो आप सबसे पहले आपको एन दिया हुआ है, एन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और पी बताना है, क्योंकि अब एन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एन के ऊपर चार्ज नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन कितने हो गए 7। ठीक है, अब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, तो ये भी 7 हो गए। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 7 हैं, न्यूट्रॉन भी 7 है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसके आगे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मास नंबर। ऑक्सीजन के लिए देखिए, आपको मास नंबर दे रखा है 16, एटॉमिक नंबर दे रखा है 8, तो एटॉमिक नंबर 8 है तो जितने एटॉमिक नंबर होगा उतना ही एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे हमको आयन दे रखा है Na+। ठीक है, तो कैटायन में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक नीचे फॉर्मूला दे रखा गया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि फॉर कैटायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होता है जेड माइनस चार्ज, और फॉर एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं जेड प्लस चार्ज के। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 दिए गए हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हैं और चार्ज 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 11 हो जाएगा, अब मास नंबर हो जाएगा 11 प्लस 12, ये हो गया 23। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है अपने एटम के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये और बड़े लेवल पे है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बड़े बड़े आयंस दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका सल्फेट एटम, सल्फेट आयन। ठीक है, फॉस्फेट आयन, आयरन एटम और अमोनियम आयन। तो सल्फेट आयन का फॉर्मूला लिख रखा गया है SO4-2-, फॉस्फेट आयन का लिख रखा है PO4-3-, आयरन एटम तो ये है ही, और फिर है अमोनियम आयन। अब इसमें जो जो एटम यूज हुए हैं उन एटम्स के बारे में इधर राइट साइड में लिख रखा है। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16,
फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 31, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, मास नंबर है 56, हाइड्रोजन का 11 है और नाइट्रोजन का 714 है। तो अब सबसे पहले आपको सल्फेट आयन के अंदर प्रोटॉन गिनने हैं। तो सल्फेट आयन के अंदर प्रोटॉन गिनने हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सल्फर में कितने प्रोटॉन हैं, 16, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं, 8, तो चार ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, दोनों को जोड़े कितना आ गया, 48, ठीक है। तो अब जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक दो नेगेटिव चार्ज भी हैं, तो नेगेटिव चार्ज ने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले थे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है जेड प्लस चार्ज, तो जेड आया कितना, 48, और इलेक्ट्रॉन दो चार्ज दो हैं तो 48 प्लस 2 कितना आ गया, 50, ठीक है। न्यूट्रॉन आप लिख सकते हैं, सल्फर में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 16, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8, फास्फोरस में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 16, आयरन में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 0, 30, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 0, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 7। तो आपके पास सल्फर में 16 न्यूट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितने आ गए, 48। वही चीज़ मान लो फॉस्फेट के लिए करना है, तो फॉस्फेट के लिए आपको प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं, तो एक फॉस्फेट में 15 न्यूट्रॉन है, ठीक है, सॉरी एक फॉस्फेट में 15 जो है वो प्रोटॉन है, और आपके पास चार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो 8 4 जा 32 कितना हो गया, 5 प्लस 2 7 3 प्लस 1 4, तो प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 47, तीन चार्ज है, ठीक है, तीन निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 50। अब आपको न्यूट्रॉन गिनने, आपको क्या गिनना है, न्यूट्रॉन गिनना है, तो फास्फोरस के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, फास्फोरस के अंदर 16 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 8, तो 16 प्लस 8 फोर जा 32, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 48, ठीक है। आयरन के अंदर देखते हैं तो आयरन तो सिंपल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 26 ही होंगे और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 30। अमोनियम आयन में देखते हैं, तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 7, चार हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो 4 प्लस 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11। अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एक माइनस करना पड़ेगा, तो 11 माइनस 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। अब न्यूट्रॉन निकालने, तो हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, बस नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन है, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7, ठीक है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिन सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग को कुछ डेफिनेशन जाननी होती है, जो एक होती है आइसो सीरीज, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा, आइसोटोप्स पढ़े होंगे, ठीक है, आइसोटोन्स पढ़े होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़े होंगे, ये सारी बातें आपने सुनी हैं, लेकिन मैं उनको आपको दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे सबसे पहला है आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, तो आइसोटोप्स उन स्पीसीज को कहा जाता है, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नोन एज आइसोटोप्स, मतलब कोई भी ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों, ठीक है, जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो उनका जेड जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, जेड सेम होगा, ए डिफरेंट होगा, ठीक है, ए माइनस जेड जो होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो भी डिफरेंट होगा और एन भी डिफरेंट होगा, मतलब जेड सेम होता है, बाकी मास नंबर भी डिफरेंट होता है, ए माइनस जेड भी डिफरेंट होता है और एन भी डिफरेंट होता है, ठीक है, एन भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं H11, H12, H13, तो सबका देखिए मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अब मास नंबर क्यों डिफरेंट है, जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, अंतर किस में होगा, न्यूट्रॉन में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। कार्बन के दो आइसोटोप मेनली यूज होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, तो एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, मास नंबर 14 है,
दूसरा है आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स होते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के, ठीक। तो यहाँ पे जेड भी डिफरेंट होता है, ए भी डिफरेंट होता है, लेकिन ए माइनस जेड सेम होता है, ठीक है, लेकिन ए माइनस जेड सेम होता है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, मास नंबर है 39, तो यहाँ पे एन कितने आएंगे, 39 माइनस 19 20 आ गए, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 20, तो ये कितना आ गया, 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए माइनस जेड की वैल्यू है वो सेम होती है, ठीक, क्या बोलें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार, आइसोबार उनको बोला जाता है जिनका मास नंबर सेम होता है, ठीक है, लेकिन जेड डिफरेंट होता है, जेड भी डिफरेंट होगा, ए सेम होगा, ए माइनस जेड डिफरेंट होगा, ठीक है। उसी तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाम से ही क्लियर है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ए और जेड के टर्म में हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ आयंस लिख रखे हैं मैंने आपको, कुछ आयंस लिख रखे हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो मैंने आपको बताया कि जो कैटायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं जेड माइनस चार्ज के, ठीक है। तो जेड माइनस चार्ज, तो एटॉमिक नंबर है 10, चार्ज है 1, तो 11 माइनस 1 10 आ गया, 12 माइनस 2 10, 13 माइनस 3 10, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और एनायन के लिए अगर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनायन के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, तो सॉरी एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 7 है, चार्ज कितने हैं 3, तो 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, तो देखिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सब में सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर। इसे और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयन है और पोटेशियम आयन है, आर्गन है, ठीक है, Cl- है और सल्फर माइनस, ठीक है। तो इसके लिए Z की वैल्यू है 19, 20, 18, 17 और 16, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, तो 19 माइनस 1 18, ये भी पॉजिटिव आयन है, तो इसमें चार्ज माइनस करेंगे, 20 माइनस 2 18, आर्गन न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा 18। Cl- का क्या है कि ये निगेटिव आयन है, तो निगेटिव आयन में चार्ज ऐड करते हैं, तो 17 प्लस 1 18, सल्फर में भी चार्ज ऐड करते हैं, तो 16 प्लस 2 18, तो देखिए सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसके पहले एक और आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, फॉस्फेट आयन में भी 50 इलेक्ट्रॉन था और सल्फेट आयन में भी 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कोई भी ऐसा स्पीसीज, ठीक है, चाहे वो सिंपल आयन हो चाहे वो पॉली एटॉमिक आयन हो, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो वैसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन आप याद करेंगे, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करेंगे।